नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोरी पुलिस ने 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ग्रामीण किसानों ने हाई टेंशन लाइन के नीचे की भूमि का मुआवजा न मिलने से किया प्रदर्शन। भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने मॉडल डिग्री कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों से जल्द से जल्द काम पूरे करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड जन एकता पार्टी में टिहरी के कई गणमान्य व्यक्ति हुए शामिल। 50 से अधिक लोगों ने पार्टी का दामन थामा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कर्मठता से योगदान देने की बात कही। वहीं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने भू कानून और प्रदेश में मूल निवास की अनिवार्यता होनी चाहिए, जिसके लिए आगे भी सरकारों से यह मांग उठती रहेगी। और अगर उनकी किसी पार्टी के साथ सरकार बनती है तो उनकी प्राथमिकता भू कानून और मूल निवास रहेगी। सबसे बड़ा जो प्रदेश का उद्देश्य था बुलाने का, कि आप देख रहे हो जिस ढंग से गाँव में देहात में लोग उत्तराखंड जन एकता पार्टी से जुड़ रहे हैं, और आज पहले चंबा टैक्सी यूनियन के करीबन 150 पदाधिकारी और सदस्य ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी की सदस्य ग्रहण की है। और आज जो हमारी नई टिहरी की जो टैक्सी यूनियन है, जो पुरानी टिहरी की सबसे पुरानी टैक्सी यूनियन के जो पदाधिकारी थे और उनके जो सदस्य हैं, 72 लोगों ने आज हमारी पार्टी की सदस्य ग्रहण किए। उनके अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ आपके माध्यम से। और आज जन एकता पार्टी का जो परिवार है, जो इसका विस्तार हो रहा है, उसके लिए मैं सभी सदस्यों को जो उत्तराखंड जन एकता पार्टी से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले, उनका स्वागत करता हूं। नशा मुक्ति उत्तरकाशी अभियान के तहत मोरी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान तहसील मोरी जाने वाले रास्ते के पास एक व्यक्ति को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोरी में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गदरपुर के खानपुर बिजली घर में किसानों ने मुआवजा न मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने कहा कि हाई टेंशन लाइन के नीचे जो भूमि आती है उसका किराया अथवा मुआवजा किसानों को दिया जाता है, जो इनको नहीं मिला है। में जो आपने बात रखी, सरकार नहीं सुन रही है। अभी हमने सरकार के स्तर तक इस बात को रखा ही नहीं है। अभी जो बात रखी जा रही है वो रखी जा रही है यहाँ के जो विद्युत के कर्मचारी हैं, MD हैं, JEE हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनके समक्ष रखी जा रही है। सरकार के समक्ष अब तक इस बात को रखा नहीं गया, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि जो हमारे साथ अनबंध हुआ था वो हुआ था कि पोल का भी मुआवजा देंगे और जो खेतों से निकल रही है तारे हैं इनका भी मुआवजा देंगे। पोलों का मुआवजा तो मिल गया, लेकिन तारों का मुआवजा किसानों को नहीं मिला। और जो संबंधित कर्मचारी हैं वो उसको टाला मटोली कर रहे हैं। तो हमने आज कड़े शब्दों में कह दिया है, ये नहीं चलेगा। किसान ही हमारी जो है वो मुख्य रीढ़ की हड्डी है। अगर इनके साथ कोई आपने छल किया, हम आंदोलन भी करेंगे और सरकार के समक्ष जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, आज वो हर बिंदु को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां तक ही हम जाएंगे। और जरूरत पड़ी किसी स्तर तक आंदोलन करना पड़ा, इस आंदोलन को करेंगे और जो हमारे किसान हैं इनको मुआवजा दिलाकर रहेंगे। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आए दिन भूस्खलन हो रहा है और सड़क मार्ग बंद हो रही है। उत्तरकाशी के मोरी में कल भारी बारिश के चलते बाजार में मलबा आ गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई। आवाजाही को सुचारू करने के लिए प्रशासन ने JCB मशीन बुलवाकर मलबा को साफ करवाया। रुद्रपुर पुलिस कोरोना के चलते पैरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड करवाने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आरोपी चोरी, लूटपाट और अन्य छोटे अपराध के चलते जेल गए थे। उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन इन अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस रोजाना ट्रांजिट कैंप थाने में इनकी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। ये भी जो पूर्व में थाना क्षेत्र से चोरी, नकदजनी और मोबाइल चोरी, लूट इत्यादि जो है धाराओं जो जेल गए थे विगत 5-7 महीनों के अंदर, तो इन लोगों को अभी कोविड संक्रमण के चलते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पैरोल पर छोड़ा गया है। तो ये जब से छोटे हुए हैं तब से लगातार इनको थाने पर बुलाया जाता है ताकि अपनी जो है ये यहाँ पर हाजिरी दे सकें, और जो भी थाने पे नहीं आ रहा तो इनके घरों पे जाके जो है इनका सत्यापन किया जाता है। इन पे जो है सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। साथ ही इनको अगर बाहर जाना होता है सर तो कैसे जाते? ये जो पेरोल पे छूटे हुए हैं इन्हें हमारे द्वारा ये बताया गया है कि जब भी बाहर जाएंगे तो उससे पूर्व थाने में सूचना देंगे कि ये जा कहाँ रहे हैं। अगर ये सपोज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कहीं जा रहे हैं तो हम वहाँ के थाना अध्यक्ष को भी जो है संबंध में सूचित करते हैं कि भाई हमारे यहाँ से जो पेरोल पे छूटा हुआ है ये बंदा आपके क्षेत्र पर आ रहा है, इस पर दृष्टि की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व विधायक प्रत्याशी धारचूला स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज के महामंडलेश्वर बनने के बाद पहली बार हिमनगरी मंचर्य आगमन पर क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में लोकतंत्र जिंदाबाद बैनर तले 9 जिला पंचायत सदस्यों का धरना प्रदर्शन 39वें दिन जारी रहा। जिला पंचायत बागेश्वर के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायत उपाध्यक्ष बागेश्वर नवीन परिहार का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर बसंती देव प्रदेश सरकार के दबाव में आकर काम कर रही है। संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करके जिला पंचायत के बजट को समेटने का कार्य खुले आम में चल रहा है। जिस तरीके से आज हमारे इस धरने को 39वां दिन हो चुका है और इस धरने को इस क्रम में हमारे नागरिक मंच बागेश्वर द्वारा और जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर के द्वारा एवं हमारे जिले के सम्मान जनता का संपूर्ण सहयोग और योगदान मिला हुआ है। जिस तरीके से धरना हमारा आज भी चल रहा है लेकिन प्रशासन अभी भी इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं तो यही अभी भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन जो है सत्ता के दबाव में है, ताकि वह इन जांचों को नहीं करना चाह रहा। अगर वो ये जांचों को करता है तो यहाँ पर वित्तीय जो अमीरताओं के बारे में हमने जो यहाँ पर इस धरने में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने जो कमियाँ कर रखी हैं और उसको ये छुपाने के लिए कभी गलत एक्टों को लेके यहाँ पर हमारे बीच में वर्षुप कर रहे हैं और वार्ता करने आ भी रही हैं तो लेकिन वार्ता का समाधान करने के किसी भी उद्देश्य से नहीं आ रही हैं। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी अभी भी यहाँ पर हमें लगता है कि सत्ता के नशे में अभी भी चूर है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जिला पंचायत जो परिवार है वो माननीय सदस्य गणों के द्वारा ही एक मुँह करके ही चलता है, ना कि यहाँ पर सरकार आके इस सदन को चलाएगी। यह सदन हम सभी ने मिलके इस सदन को चलाना। विकासखंड मुलचरी में समस्त स्कूलों के साथ ही विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज मुलचरी में शासनादेश के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है। पूरे विद्यालय परिसर को सैनिटाइज किया गया है, मास्क और शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा में खुरपिया फार्म की 13 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे मॉडल डिग्री कॉलेज का भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 2 मॉडल डिग्री कॉलेज दिए गए थे, जिनमें से एक कॉलेज किच्छा को मिला था। किच्छा को मिले मॉडल डिग्री कॉलेज को 12 करोड़ की लागत से तैयार कराया जा रहा है। और ड्रीम प्रोजेक्ट है किच्छा में, हम सबका सपना था कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए एक गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बने और अच्छा हुआ कि हम सब केंद्रों पर प्रधानमंत्री जी ने हमें मॉडल डिग्री कॉलेज यहाँ दिया है जो लगभग 13 एकड़ जमीन बन रहा है, लगभग 12 करोड़ की लागत से बन रहा है और इसमें काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। आज मैं इसका निरीक्षण करने आया हूँ। कोरोना की वजह से कुछ 1-1.5 साल में हमारे काम में कुछ गति में कमी आई थी, फिर हम उसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ मुझे अधिकारियों ने बताया है कि कुछ इसकी जो सेकेंड किस्तानी है उसमें कुछ शासन से प्रसव करने की आवश्यकता है। अभी मैंने जो हमारी उच्च शिक्षा सचिव हैं राधा रतूड़ी जी, श्रीमती राधा रतूड़ी जी, उनसे मैंने अभी टेलीफोन से बात की है और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इसकी दूसरी किस्त जारी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही हम जो अस्थायी भवन में डिग्री कॉलेज चला रहे हैं मंडी में, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं पहला बैच, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हम उन बच्चों को इस भवन में ले आएँ जहाँ उनका स्थायी डिग्री कॉलेज बन रहा है। कहा है कि क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए और ख़ासतौर पर चूँकि बच्चों का मामला है, बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे और पूरे क्षेत्र के बच्चे होंगे, तो उनके मन में एक ऐसा स्थापित होना चाहिए कि सरकारी चीज़ अच्छी बनती है और सरकार के लोग अच्छा काम करते हैं, ये धारणा बननी चाहिए। क्योंकि अब कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता का युग है और ऐसे में बच्चे भी हर चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, तो हम चाहते हैं बढ़िया बने, अच्छा भवन बने, गुणवत्ता युक्त बने और सारी सुविधाओं से लैस बने। मैं अभी जाके छात्रावास का भी निरीक्षण करूँगा। अभी मैं देख रहा हूँ मुख्य भवन को, जहाँ कक्षा कक्ष होंगे, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहाँ ये हॉल है 3 मंजिला ये बना हुआ है, अभी हम छात्रावास का भी निरीक्षण करेंगे। पहाड़ी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने टिहरी डीएम को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि बामुंडी पट्टी में, जिसको की फल पट्टी भी कहा जाता है, बंदरों और जंगली सुअर के आतंक से फल पट्टी के शिकार खान से परेशान है, जिसमें पहाड़ी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने डीएम को ज्ञापन देकर किसानों की समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग उठाई है। डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था और जिसमें हमने बमुंडी पट्टी में बंदरों से निजात पाने के लिए और जैसे वहाँ पर सुअर हैं उनसे निजात पाने के लिए हमने मैडम को यहाँ पे ज्ञापन दिया है और अगर यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर ये नहीं होता है तो हम यहाँ पे धरना देंगे।
के बमुन पट्टी में लगातार जो कि वहाँ पे जंगली जानवरों की समस्या है। पहले तो जनता कोविड की मार झेल रही है, ऊपर से बेरोजगारी के दौर में जो हमारे सभी ग्रामवासी जो वहाँ पे हैं वो इस बंदरों के आतंक से परेशान है। लगातार सुबह रात में सुबह बंदर आता है तो रात में सुअर उन्हें परेशान करते हैं, तो इसके लिए हमने जिला अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा कि हमें इस समस्या से निजात पा सके। मसूरी में मंगलवार को दोपहर हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग गगोली पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने के बाद बंद हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर आए मलबे को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया। पिथौरागढ़ के बिण ब्लॉक के किनारे पावे में रीता देवी का घर भारी बारिश के कारण 5 दिन पहले गिर चुका है, जिसका जायजा लेने पटवारी आए थे। पटवारी ने महिला को कहा था कि 72 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन आज 5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह विधिवत शुरू हो गया है, जिसके तहत हेल्थ टॉक के माध्यम से महिलाओं को बच्चे को स्तनपान कराने के नफा नुकसान और महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपने संदेश में निदेशक एम्स पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि स्तनपान न केवल बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य का पोषण करता है, बल्कि संपूर्ण समाज के एक स्वास्थ्य भविष्य की स्थापना करता है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।